अस्सलाम वालेकुम फैसल जी शान, क्या हाल है? ये फैसल, आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका हैंड रेज हुआ वो मुझे नजर आ रहा है। चैट विंडो में लिखे ना, आपको आवाज मेरी आ रही है कि नहीं आ रही? जी, मेरी आवाज आ रही है तो यहाँ चैट विंडो में लिखिएगा जरा। ओके, गुड। अच्छा, फिर मसला फैसल आपकी तरफ है, क्योंकि आपका माइक मुझे नजर आ रहा है लेकिन, और ओपन भी है, आई मीन अनम्यूट, म्यूट भी नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइक काम नहीं कर रहा। उसको देखें, कोई बटन शटन इसका है, कोई और मसला है? नहीं तो फिर लॉग आउट होके लॉग इन कीजिएगा, फिर हो जाएगा ठीक। ओके, खुर्रम भी आ गया जी। खुर्रम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा खुर्रम जी। सर बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है सर। ठीक आ रही है, जबरदस्त। अच्छा फैसल, आपको आवाज नहीं आ रही और आपका माइक भी म्यूट नहीं हुआ हुआ, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है आपके एंड के ऊपर। थोड़ा देख लें और फिर हम शुरू करते हैं। इजीएस्ट ये है, आप लॉग आउट करके फटाफट लॉग इन बैक करते हैं तो उससे अमूमन ठीक हो जाता है। जी खुर्रम, आपका मसला हल नहीं हुआ। से वो वाला नहीं हल हुआ, लेकिन ये लास्ट टाइम जब आपने मैंने हाइब्रिड वाला कॉम्रेड वाला ज्वाइन किया था तब मुझे इश्यू नहीं हो रहा था सर, लॉगिन तब हो गया था कॉम्रेड में हो गया था? कॉम्रेड्स में हो गया था सर, लेकिन अभी नहीं एक्सेस हो रहा मैंने सर। तो देखें, आपकी एक्सेस वही है, मैंने चेंज कोई नहीं किया। अलबत्ता मैंने वही लिंक आपको दोबारा भेज दिया, और जो लिंक मैंने आपको भेजा है, वो जो आपने मुझे भेजा, मैंने उस पर किया, वो बिल्कुल सही जगह पे जाता है। इसका मतलब लिंक में कोई खराबी नहीं है। आई डोंट नो, मैंने वैसे तीन चार कंप्यूटर से ना अलहदा बच्चों के कंप्यूटर से भी लॉग इन करने देखी है, तो वो मैसेज एक ही देता है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ओनर ऑफ द फाइल से मैं सर। बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, उसका उसका मसला ये है, यू हैव टू लॉग इन फर्स्ट नहीं, इन योर मैंने लॉग ब्राउजर, इन करके सर अपने दोनों जीमेल या हॉटमेल वाला जो दोनों अकाउंट आपने दिए, दोनों रजिस्टर्ड हैं सर वन ड्राइव के ऊपर। मैंने अभी चेक किया, दोनों एड्रेस वहां सर मौजूद हैं। अगर आप सर लॉग इन हुए हुए हैं सही जगह से तो फिर आपको कोई मसला क्रोम नहीं में होगा। मैं लॉग इन हुआ हूँ उसके ऊपर ही, जो मेरा अपना अपना एड्रेस इसमें शामिल किया हुआ, फिर भी नहीं ओके, जा रहा था। मैं लिंक भी पेस्ट करके देख लेता हूँ सर वहाँ पे। अपने मोबाइल से ट्राई किया आपने? सर मोबाइल से भी ट्राई किया सर। नहीं हो रहा यार, सर पता नहीं, आपके दो अलग अलग ईमेल एड्रेस हैं जी। फैसल, अगर वो कल फैसल हो गया इसका मतलब है मेरे को इश्यू हो गया मैं सर, अगर पूछता वो हूँ भी नहीं फैसल हुई तो सर। जी। सलाम वालेकुम फैसल, ठीक हो गया? बोलिए जरा, माइक ऑन करके। म्यूट हुआ हुआ है अभी माइक आपका। जी सर आपको आवाज आ रही है जबरदस्त आ रही है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। सर? राइट सर। अच्छा फैसल भाई, ये बताइए, वन ड्राइव के ऊपर जो मटेरियल पड़ा है, क्या आप उसे एक्सेस कर पाए? नहीं सर, वो पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो आपने दिया हुआ है। पासवर्ड तो मैंने खत्म कर दिया, बगैर पासवर्ड अच्छा के सर, कैसे? मैंने
लेकिन वो फिर भी मैसेज देगा द फाइल इज प्रोटेक्टेड बाय अ पासवर्ड, यू डोंट नो द पासवर्ड, आस्क द ओनर ऑफ द फाइल फॉर इट। और आप हाइब्रिड चेक कर चुके हैं कैपिटल में? जी सर बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फिर इसका मतलब है, मैंने अभी फ्रेश भी आपको लिंक भेजे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या मसला है, एक मिनट रुको। ईमेल पे भेजे सर? मैं अभी आपको दोबारा भेजता हूँ, अभी एक एक मिनट इधर ही होल्ड कीजिएगा, मैं ये मसले को यहीं रिजॉल्व करता हूँ। ये तो बड़ी अजीब बात है कि मतलब एक चीज की एक्सेस मैंने इतने दिनों से दी हुई है। खुर्रम मलिक कैन व्यू, ओके मैं इसको खत्म करता हूँ एक दफा। खुर्रम मलिक और फैसल फैसल जीशान, मैं आप दोनों की जो लिंक आपको दिया हुआ था वो मैं खत्म कर रहा हूं ताकि मैं आपको नया फ्रेश दे सकूं। ओके ये मैं जनाब फ्रेश शेयर करने लगा हूं और आप लोगों के ईमेल एड्रेसेस के ऊपर भी डालता हूं। ओके मलिक और खुर्रम मलिक में एम कॉमन है सर। जी बिल्कुल। और जिशान आपका क्या ईमेल था? ऐप से था फैसल? एफ जिशान 71 था। एफ बिल्कुल, ये मैंने दोनों एड्रेस ऐड किए हैं और ये मैंने आपको सेंड किया। ईमेल चेक कीजिए और जो लिंक वहां पे आया होगा अभी उसे ट्राई करें। जी जनाब मैं वेट कर रहा हूं। खुर्रम मलिक का नाम ऐड हो गया है मेरे पास दोबारा और फैसल जिशान का भी ऐड हो गया है। अब होपफुली आपको और मैं लिंक आपको जो है उसका आपको यहां पे भी कॉपी कर देता हूं। ओके मैं पासवर्ड मैं दोबारा पासवर्ड रख रहा हूँ। मिल गया आपको? हो गया? नहीं सर ईमेल अभी तक नहीं आपकी आई सर। अभी तक नहीं आई सर। ओके मैं दोबारा इसको हाइब्रिड पे रख रहा हूँ कैपिटल में। सर ठीक हो गया। और विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड, अच्छा तो ठीक है सर पासवर्ड खत्म ही कर देते हैं, बिला वजह का फटा ही खत्म हो जाएगा। पासवर्ड खत्म कर दिया और अभी मैं आपको दोबारा ये लिंक
भेज देता हूँ, कैसे भेजूँ? मेरा अभी एसेस हो गया है सर। हो गया जी सर, हो गया। जबरदस्त जिशान, आप भी जल्दी से चेक कर लीजिए। ये मेल आई डोंट नो, आपने दूसरी ईमेल से की थी ये, उसमें गई जंक मेल में गई। एक मिनट, ये व्हाट्सएप के ऊपर भेजो। अरे बड़ी हैरत की बात है कि मतलब इतने दिन तक हम लड़ते रहे और हमसे ये एक्सेस नहीं कंट्रोल में आई है। अभी तो हो गया, हो गया बिल्कुल। अब वो फैसल का भी कंफर्म हो जाए ना जरा। सर मेरे पास मेल नहीं पहुंची अभी और व्हाट्सएप पे ये वो आप वो जंक में देखे ना सर, मैंने व्हाट्सएप पे कॉपी कर दिया है, व्हाट्सएप पे लिंक कॉपी कर दिया है, देखें जरा। ये आपका जो ग्रुप का वक्त सर, अभी इससे भी इससे भी चला जाता है सर, चला जाता है। हाँ ठीक है, हाँ सर ठीक है जी सर, हो गया अभी, हो गया। जबरदस्त, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जी, जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और आई होप कि अभी ये मसला नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा जी, कमिंग बैक, जो काफी मतलब दो तीन मेरा ख्याल है हमारे हफ्ते हो चुके हैं, क्लासेस दो तीन क्लासेस गुजर चुकी हैं, अभी तक हम वहीं खड़े हैं। और आज मैं ये चाह रहा था कि हम मॉड्यूल वन की तरफ चले जाएं, लेकिन मैंने पिछली दफ़ा जो आपको असाइनमेंट भेजी है उसमें मैंने कहा एक दफ़ा फिर अश्योर कर लिया जाए कि आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। इस हवाले से मैंने आपको पिछली असाइनमेंट में कुछ प्रेजेंटेशंस देखने के लिए कहा था। एक मॉड्यूल 00 था जिसके अंदर वही जो वेबिनार में भी बातें बताई गई हैं और अल्टीमेटली जो आपका सिलेबस है और किस तरह से हमने पढ़ना है वो बात वहां डिस्क्राइब की गई है। एक तो वो चीज जरूरी है शुरू करने से पहले, और दूसरा मॉड्यूल 00A होगा, एक 00 इंट्रोडक्शन होगा, एक तो अबाउट अस है, एक 00 इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में पहले दो चैप्टर जो PMBOK के 6th एडिशन के हैं उसको समराइज किया गया है, और वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने सुने हुए होने चाहिए। और 00A जो है वो मॉड्यूल डिस्क्राइब करता है कि जो प्रोसेस ग्रुप्स और नॉलेज एरियाज आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ऑल दो प्रोसेस ग्रुप्स और नॉलेज एरियाज का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि 50% ऑफ द एग्जाम स्टिल इज ऑन द प्रोसेसेस। आपको पता है ना 50% नंबर आपके प्रोसेसेस के हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट वहां दिए हुए हैं उनकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये चीज अगर हम करते हैं, और फिर एक तीसरी चीज मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं देन यू टेक अप दी, मैंने पहला एग्जाम आपको पोस्ट कर दिया था, प्री असेसमेंट पहले किया था। प्री असेसमेंट तो मेरा ख्याल है वो भी जिशान ने की है, फैसल ने, और खुर्रम आपने प्री असेसमेंट किया कि नहीं की? सर प्री असेसमेंट मैंने पिछली दफा की थी, दोबारा मैं कहते हैं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है वो स्कोर हम देख लेंगे। अब मैंने आपको क्विज वन दिया है, विच इज जो यहां तक मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन, पहले तीन चैप्टर PMBOK के और बेसिक कॉन्सेप्ट सारे, उनको टेस्ट करने के लिए आप वो अटेम्प्ट करें। अगर आपने अभी तक ये सारा कुछ नहीं सुना और पढ़ा तो बराए मेहरबानी एक दफा थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करके इसको देख लें। ईद भी आ रही है तो उससे मुझे पता है आप लोग बिजी हो जाएंगे, लेकिन कुछ थोड़ी सी कोशिश करें। बाकी हम देख लेते हैं कि ईद के दिनों में हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो आज 18 है, ईद के दिनों में क्लासेस अगर कहते हैं तो नहीं करेंगे। 23, 24, 25 को ईद है ना सर, तो इन दिनों में जो क्लास आ रही है वो फिर हम स्किप कर देंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं
मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो अगर करना स्किप कर रहे थे, लेकिन जो पिछला बैकलॉग है हम वो पूरा कर लेते हैं ताकि क्यों नहीं, क्यों नहीं। मतलब आपकी कंफर्ट और ईज चाहिए, मगर जरूरी ये है कि आप उसको सारे को देख के आए। आप मुझे सर, आपने आपने जो आज मेल की है वो हम इन चार पांच दिन जो हमें मिल रहे हैं इसमें करके आते हैं, ताकि संडे ऑनवर्ड वी शुड स्टार्ट प्रॉपरली योर प्रोटोकॉल लेके आते हैं। आप ठीक है, मगर ये कि हम बहुत ज्यादा लेट कर गए हैं, लेकिन चलें ये भी मानने वाली बात है कि पहले आपको एक्सेस ही नहीं मिली थी तो क्या करें, तो अब आपको एक्सेस मिल गई है तो चलें ये बात आपकी मान लेते हैं। खैर ठीक हो गया सर, ये बता दें कि ये जितनी बातें मैंने की हैं इनमें से मटेरियल तो आपके पास नहीं था ना, किस हद तक आप कंफर्टेबल हैं? अभी आपसे मैं पूछूं कि इस वक्त आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज किस जगह पे खड़ा है, तो क्या कहेंगे आप? सर अभी तक तो हमें स्टैंडर्ड्स और जो गाइड्स हैं उनके बारे में क्लैरिटी मिली है, जितना भी एक दो सेशंस हुए हैं हमारे, और वो थोड़ी सी उसको मजीद थोड़ा पढ़ लेंगे तो मजीद एलैबोरेट हो जाएगा। चले मैं आपको प्रीव्यू कर देता हूँ कि इन तीन मॉड्यूल्स जो मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, 00000 अबाउट अस, 00 इंट्रोडक्शन और 00 ए प्रोसेस इंटरेक्शन, इनमें है क्या? तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका मॉड्यूल है जिसपे आगे चल के हमने कोर्स चलाना है। तो जनाब मैं शेयरिंग दोबारा ऑन कर लूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये जो हम संडे के बाद से शुरू करेंगे ना, ये वो कोर्स है आपका, एक्चुअल कोर्स जिससे आपका एग्जाम आना है, लेकिन वो जो बाकी चीजें मैं बता रहा हूँ वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या इसकी बुनियाद है। आप डायरेक्टली इसमें जंप कर जाएंगे तो कुछ बातें समझ नहीं आएंगी। ये कोर्स पांच मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, मतलब एज सच बीएमआई कहती है कि 5 फुल डेज का कोर्स है ये, 5 फुल डेज, 8 आवर्स पर डे। तो पहला दिन जो वो कवर करते हैं, मॉड्यूल वन जो कवर करते हैं वो होता है क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मिंग टीम, दूसरा है स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, तीसरा है डूइंग दी वर्क, चौथा है कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक, और कीपिंग, पांचवा कीपिंग द बिजनेस इन माइंड। आपको याद होगा कि मैंने ये बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो इन तीन एरियाज में से आ रहा है, 42% फ्रॉम पीपल, 50% फ्रॉम प्रोसेस एंड 8% फ्रॉम बिजनेस। अब इसको अगर पढ़ाया जा रहा है पांच मॉड्यूल में, तो अगर आप गौर करें तो जो पहला मॉड्यूल है और जो चौथा मॉड्यूल है दैट समहाउ टॉक्स अबाउट पीपल, जो दूसरा और तीसरा मॉड्यूल है दैट टॉक्स अबाउट द प्रोसेस, और पांचवा मॉड्यूल बिजनेस के बारे में बात करता है मगर नॉट इन सो मेनी वर्ड्स। ये मतलब यूं कह लें कि प्रीडोमिनेंटली पहला और चौथा पीपल, और पीपल के अलावा कुछ प्रोसेस भी आ जाएंगी बीच में, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि पीपल ने ही प्रोसेस करने हैं तो वो फिर आपको उसका लिंकेज समझ आ जाएगा। और दूसरा और तीसरा तो खास तौर पे प्रोसेस के ऊपर है, और लाजमी बात है इसमें पीपल का और बाकी चीजों का इंटरेक्शन आएगा। और पांचवा मॉड्यूल जो है वो 8% जो आपका आखिरी एग्जाम है वो, और इसके अलावा पांचवें मॉड्यूल में खासतौर पर एजाइल वगैरह के बारे में, ये प्रिडिक्टिव और एजाइल पे कैसे अटैक करना है आपने इस नए आउटलाइन के मुताबिक। तो ये है जनाब आपका। अब इसमें ये जो पांच दिनों की मैं बात करूं, पांच मॉड्यूल ही मैं कहूंगा क्योंकि हम दिनों में तो नहीं कर रहे, हम तो 8 घंटे की क्लास ही नहीं कर रहे, हम तो 2 से 3 घंटे की क्लास है, तो इसका मतलब है कि आपका जो एक मॉड्यूल है वो 2 से 3 लेक्चर्स में कवर होगा। तो मतलब 5 एंड 15 तकरीबन बन जाते हैं, तो 16 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हुए और वो आप सुन रहे हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। और दूसरी बात ये कि मैंने ऐसे बाइफरकेट नहीं किया कि अगर से के 1 घंटे बाद मेरा
पीपल खत्म हो रहा है या डे वन खत्म हो रहा है, तो हो सकता है मैं डे टू उसी दिन शुरू कर दूं, ठीक है जी। ऑल दो मेरी कोशिश यही होती है कि जो अगला मॉड्यूल है वो हम अगले दिन शुरू करें। एनीवेज आई विल नॉट बी कॉलिंग देम डे वन टू थ्री फोर फाइव, आई विल जस्ट बी कॉलिंग देम मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री फोर एंड फाइव। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मतलब डे वन में जो टॉपिक्स कवर होने हैं वो आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं अपनी स्लाइडों के ऊपर भी। ये डे वन है जी, क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मिंग टीम। वो कहता है जी काम शुरू करने से पहले आपको लोग चाहिए ना, इसमें आपके टीम मेंबर्स भी हैं, हाई परफॉर्मिंग टीम आपको चाहिए जो कि ये काम कर सके। एट द सेम टाइम एक और भी इसमें चीज आ जाती है कि यू हैव टू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल, मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो भी एक हद तक आपके टीम का पार्ट ही बनते हैं क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बिल्ड अ टीम, डिफाइन टीम ग्राउंड रूल्स क्या होंगे, निगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स, एम्पावर टीम मेंबर्स, ये बड़ा जरूरी है कि टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स को ताकत ट्रांसफर की जाए, ठीक है जी। तो जब तक आप उनको ताकत नहीं देंगे आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ये बात नहीं होगी, मतलब इज नॉट गोइंग टू बी हाई परफॉर्मिंग टीम, इफेक्टिव नहीं हो सकती, मतलब वो लेबर वर्क तो आप करवा लेंगे लेकिन हाई परफॉर्मिंग टीम नहीं बनेगी। फिर उन अपने इन टीम मेंबर्स को और स्टेक होल्डर्स को ट्रेन भी करना है, फिर इन्हें इंगेज करना है और अल्टीमेटली बिल्ड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ताकि मिलजुल के काम करने का माहौल पैदा हो। ये जो नंबर्स लगे हुए हैं ये मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, इनसे आपने वरी नहीं करना, ये वो नंबर हैं जो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन में लगे हुए। अगर आप रेफर बैक करके देखना चाहें ईसीओ के साथ कि कौन सी चीज कहाँ है तो ये आपको डिस्क्रिप्शन इसकी वहां से मिल जाएगी। बट एनीवेज तरतीब जिसमें हमने इसको पढ़ना है वो ये है। ईसीओ की तरतीब जरा डिफरेंट है क्योंकि वो पढ़ने के लिए नहीं, वो एग्जाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, तो इस वजह से चीजें तो वही है लेकिन उनको कवर इस तरतीब में किया जा रहा है। इसी तरह जो दूसरा है वो आ जाता है आपका स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट, उसमें आप जनाब फिर प्रोसेसेस की तरफ आ जाते हैं। पहले तो आप अपनी मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, स्कोप को प्लान करते हैं, टाइम कॉस्ट को करते हैं, स्केड्यूल को करते हैं, क्वालिटी को करते हैं, फिर सारे इंटीग्रेशन बनाते हैं, सारे नॉलेज एरियाज की प्रोक्योरमेंट्स के बारे में प्लान बनाते हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेक करते हैं और आखिर में प्रोजेक्ट का क्लोजर करते हैं। ये सब प्लान यहां हो रहा है, मतलब यूं समझ लीजिए कि प्लानिंग का सारा शोभा इसके अंदर कवर हो रहा है। फिर जब हम कहते हैं स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, आज तो हो गया, जब हम कहते हैं कि डूइंग द वर्क, तो अब हम बेसिकली वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। यहां बैठ के हमने रिस्क को असेस और मैनेज करना है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है और उसे वैल्यू डिलीवर करानी है। कम्युनिकेशन जो हो रही है, जब एग्जीक्यूशन हो रही है तो हाउ द थिंग्स आर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान आपने पहले बनाया होगा लेकिन कम्युनिकेशन हैपन यहां होंगी, स्टेक होल्डर्स के साथ आपने इंटरेक्ट पहले किया होगा लेकिन उनसे इंगेजमेंट यहां क्रिएट होगी, फिर आप प्रोजेक्ट जो करेंगे काम तो उससे डिलीवरेबल बनेगा, प्रोजेक्ट की अंदर जो तब्दीलियां लानी है वो आप यहां मैनेज करेंगे, प्रोजेक्ट के इश्यूज यहां सामने आएंगे और उनको प्रोसेस किया जाएगा और जो कुछ आप सीख रहे हैं इस दौरान उसको नॉलेज ट्रांसफर के लिए तैयार किया जाएगा कि वो प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी के लिए भी और आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट के लिए हम कोई लेसन लर्न भी छोड़ के जाएं। ये सब कुछ एग्जीक्यूशन के दौरान हो रहा है। फिर आप आ जाइए कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक। अब जब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हो रही होती है खासतौर पर, उस वक्त हम टीम पे भी नजर रख रहे होते हैं, जिस टीम को काम दिया था उसको प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर लीड करना, लीड करने का मतलब यहां सर्वेंट लीडरशिप है ज्यादातर, जिसका मतलब ये हुआ कि आपने उनको फैसिलिटेट करना है, आपने उनको माहौल देना है, काम वो खुद करेंगे। सपोर्ट टीम परफॉर्मेंस, अब हाई परफॉर्मिंग टीम तो रख लिया आपने, अब उनको सपोर्ट भी करना है। एड्रेस एंड रिमूव इम्पेडिमेंट, ये सबसे बड़ा काम कि उनके रास्ते में जितनी भी हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं ये रिमूव करना आपका काम है। दिस इज योर जॉब एज अ फैसिलिटेटर, एज अ सर्वेंट लीडर। और अगर कहीं कंफ्लिक्ट आता है उसको मैनेज करना आपका काम है। आप देखें, मैनेज कंफ्लिक्ट इज 1.1,
मतलब ये पीपल में भी पहले नंबर पे ईसीओ में लिखा हुआ है, लेकिन मैनेज कंफ्लिक्ट तो तभी होगा जब आएगा। तो ऑल्दो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इस ये हैपन कहाँ कर रहा है, जब हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहे हैं, कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स, फिर जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं उनको शायद कुछ मेंटर करने की जरूरत पड़े, इमोशनल इंटेलिजेंस के स्किल्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है ताकि टीम आपकी और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। आखिरी दिन जो हमारा है पांचवा, वो है कीपिंग द बिजनेस इन माइंड। ये अलाइनमेंट चेक की जाती है कि जो कुछ, जो मैंने गवर्नेंस के हवाले से एक बात करता हूं कि इट इज नॉट ओनली द डिलीवरेबल बट द वैल्यू एज वेल एज द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स इनटू एक्शन। मतलब गवर्नेंस मींस कि ना सिर्फ ये कि कस्टमर की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। अगर ऑर्गेनाइजेशन कहती है हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं, हमारे सारे काम आईएसओ के मुताबिक होते हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि आपके प्रोजेक्ट के कोई काम आईएसओ के मुताबिक ना हो रहे हों। ऑल्दो कस्टमर डिड नॉट रिक्वायर दैट बट ऑर्गेनाइजेशन डज। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जब प्रोजेक्ट का गवर्नेंस मैकेनिज्म डिजाइन करेंगे तो उसमें आपने स्ट्रेटजी को और ऑर्गेनाइजेशन को भी मद्देनजर रखना है, स्टेक होल्डर्स को, बाहर के माहौल को और कस्टमर को और प्रोजेक्ट की जरूरियात को, इन सबको। तो ये तभी मुमकिन होगा जब गवर्नेंस आप अच्छी कर सकेंगे। और कंप्लायंसेस ये वही हैं कि जनाब से क्या आईएसओ की कंप्लायंस है, क्वालिटी की कंप्लायंस है, गवर्नमेंट की कोई रूल्स हैं या लॉज हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रेटजिक गोल्स हैं, उनकी कंप्लायंस जो है उसके बगैर आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। ऑल्दो कस्टमर तो कह रहा है कि जी मेरी यूजर एक्सेप्टेंस करा लो और काम ठीक हो गया, लेकिन आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते हैं कि इन ऑन टॉप ऑफ द यूजर एक्सेप्टेंस आप अपनी दूसरी कंप्लायंसेस भी मद्देनजर रखें। तो याद रखिए एक चीज होती है यूजर एक्सेप्टेंस, दिस कंसर्न्स विद द स्टेक होल्डर या कस्टमर। कस्टमर बताता है कि ये जो रिक्वायरमेंट मेरी है इसको मैं दे रहा हूं आपको बनाने के लिए, इसको मैं इन शरायत पर कबूल करूंगा, आप मुझे ये चीजें करके दिखा दें तो मैं कबूल कर लूंगा कि ये चीज आपने बना दी है। लेकिन डेफिनेशन ऑफ डन का मतलब है कि नॉट ओनली दिस यूजर एक्सेप्टेंस बट ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, तो दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ डन। एजाइल में ये टर्मिनोलॉजीज ज्यादा इस्तेमाल होती है। खैर फिर जनाब आप एवेल्युएट एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट बेनिफिट्स। अब प्रोजेक्ट बेनिफिट्स के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप वो जो मैं आपको कह रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर उसको जरा रिव्यू करें। डिलीवरेबल एक चीज है जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं, एक चीज आउटकम है और एक चीज बेनिफिट है। डिलीवरेबल ही को आउटपुट कहते हैं, लेकिन आउटपुट से जो शॉर्ट टर्म गेन्स आने हैं, मतलब जो आपने आउटपुट पकड़ाई है उससे इमीडिएटली जो फवायद अखज होने हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उनको हम आउटकम्स कहते हैं। और लाजमी बात है कि आप जो चीज डिलीवर करेंगे, जो आउटपुट देंगे या जो डिलीवरेबल देंगे, उसके आउटकम्स अगर ठीक ना आए तो कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो बेनिफिट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या मकासद पूरे करने थे, बड़े क्या मकासद थे, वो हो सकता है कि प्रोजेक्ट के खत्म हो जाने के काफी अरसे बाद जाहिर हों। मिसाल के तौर पे एक स्कूल बनाया जा रहा है और स्कूल को बनाने का मकसद है कि अगले 5 सालों में 5,000 बच्चों को तालीम दी जाए। अब वो स्कूल बनाना मेरा प्रोजेक्ट है, मैं उस वसत के साथ, उस कैपेसिटी के साथ, उस मजबूती के साथ वो स्कूल तो बना सकता हूँ और उसके शॉर्ट टर्म गेन्स भी दे सकता हूँ कि हाँ जी ये चेक कर लें बिल्डिंग आपकी ठीक है और ये देखें ये इस काबिल है कि ये परफॉर्म कर सके, ये शॉर्ट टर्म गेन है या आउटकम है। लेकिन उससे वो 5 साल में 5,000 बच्चों का पढ़ के निकलना बेनिफिट है, ये प्रोजेक्ट का पार्ट तो नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट के मकासिद में तो है। तो इस प्रोजेक्ट से जो आउटकम आना है ये उसके मकासिद है, अल्टीमेटली जब वो ऑपरेशन में चलेगा तो उसने ये पूरा करने, अगर वो ये पूरे ना करे तो सवाल उठता है कि जिस बंदे ने ये स्कूल बनवाया उसने क्यों बनवाया, जब इस स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ाने ही नहीं थे, जब इसमें गाय भैंसें माननी थी तो ये क्यों बनाया गया,
इसका मतलब है कि जिस बंदे ने ये स्कूल बनवाया, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इससे बेनिफिट्स एक्वायर भी करे। ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं बनती। खैर, ये एक अलग डिस्कशन है। फिर जनाब सेकंड चैप्टर में जो हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैं पीएमबीओके के 6th एडिशन के सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की बात करता है पूरा चैप्टर। उसको अगर आप देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। ऑल दो 7th एडिशन में भी एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर का जिक्र किसी और तरह से है, बिल्कुल है, आप उसमें देखेंगे आपको मिलेगा, लेकिन वो अलग चैप्टर में नहीं है। फिर जनाब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को आप कैसे सपोर्ट करेंगे और फिर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे अपने प्रोजेक्ट में लाएंगे, दिस ऑल इज कवर्ड इन डे 5। सो ये तो समरी हो गई आपका जो पूरा कोर्स हमने 5 मॉड्यूल्स का रन कर रहे हैं उसकी। लेकिन मैं जो ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए। उस हवाले से ऑल्दो 7th एडिशन का मटेरियल भी मेरे पास रेडी है, मैं उधर से भी आपको चीजें दिखा सकता हूं, लेकिन लेट मी शो यू द 6th एडिशन फर्स्ट। ये जनाब मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अभी आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए जी, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं तो जो मैंने शायद असल में मैं शायद पिछली क्लास में आपको ये बात बता चुका हूँ जो डिफरेंस इसका था, और मैंने आपको 7th एडिशन दिखाया था ना, 7th एडिशन मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दिखाई थी आपको, क्या नहीं? जी सर, दिखाई। हाँ, तो ये जो आपको जैसे मैंने वहां बताया था, जो स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये अलग चीज है, और जो गाइड है वो अलग चीज है। ऑल्दो पूरी किताब को हम अ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज ही कह रहे हैं ट्रेडिशनली, और अब 7th में भी कह रहे हैं, लेकिन पहले ये था कि गाइड वाला पोर्शन शुरू में था जिसमें 10 नॉलेज एरियाज डिस्कस हुए थे, और स्टैंडर्ड वाला पोर्शन पार्ट 2 था जिसमें 5 प्रोसेस ग्रुप हुए थे। तो ऑल्दो दोनों का रिलेशन तो बनता है, लेकिन बस यूं समझ लीजिए कि 2 डिफरेंट व्यूज थे, चीज एक ही है मगर एक नॉलेज एरियाज के हिसाब से डिस्कस हुआ था, एक प्रोसेस ग्रुप के हिसाब से। अब उन्होंने क्या किया कि नॉलेज एरिया भी खत्म कर दिए, प्रोसेस ग्रुप भी खत्म कर दिए, और स्टैंडर्ड पहले आ गया, और स्टैंडर्ड अब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से वैलिडेटेड है, जबकि गाइड नहीं है, गाइड इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। स्टैंडर्ड इज वेरी शॉर्ट, 67 पेजेस का टोटल स्टैंडर्ड है, और उसके अंदर बजाय इसके कि वो ये चीजें बताएं आपको कि जनाब इसमें प्रोसेसेस कौन सी हैं, उन्होंने कहा चूंकि अब हम एजाइल को भी कवर करना चाह रहे हैं तो प्रोसेसेस तो कोई नहीं हो सकती स्टैंडर्ड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और इस तरह की चीजें वहां पर डिस्क्राइब कर दी, और इसी तरह गाइड ने, गाइड के अंदर भी इस तरह कुछ चीजें। तो आप ये देखें कि अब जो एग्जाम आपका हो रहा है उसकी मुकम्मल कवरेज 7th एडिशन में आपको मिलेगी। अच्छा, अभी आप 6th एडिशन से पढ़ें या 7th से पढ़ें, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। देखें ना, 6th एडिशन तो चलती थी जैसे ये पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, ये एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये थोड़ी स्लाइडें आगे पीछे हो रही हैं। राइट, तो 6th एडिशन में जो पहला था गाइड वाला पोर्शन था, उसके अंदर 10 के 10 नॉलेज एरिया डिस्कस होते थे, और ये चैप्टर वाइज उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये पहला चैप्टर था, और पहले चैप्टर की ये सारी स्लाइडें बनी हुई हैं, आप चाहें तो इनको प्रीव्यू करने किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट इसमें से कैप्चर करें। जनरली रिकग्नाइज ये जो चीजें हाईलाइट की हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड प्रैक्टिस क्या होती है, जनरली रिकग्नाइज क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, ये सब बातें मैंने इनमें डिस्कस की हुई हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, गवर्नेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, आउटपुट आउटकम का, ये सब बातें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर दूसरा चैप्टर जो आ जाता है उसमें एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और उसमें इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स क्या होते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है वगैरह वगैरह।
फिर जो मैंने आपको कहा कि ये सब कुछ यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, और सेवंथ एडिशन मैंने कहा था आपसे शेयर कर लूंगा, मैंने अभी तक शेयर नहीं की, वो भी मैं शेयर करूंगा, मैं स्टैंडर्ड मेरा ख्याल है शेयर कर लूंगा आपसे इमीडिएटली, क्योंकि जो गाइड वाला पोर्शन है उसमें कुछ चीजें अभी इनकम्प्लीट है, स्टैंडर्ड वाला कंप्लीट है, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। अच्छा जी, अब आखिरी चीज, अगर आप ये मैं कहां पहुंच गया हूं, 00 इंट्रोडक्शन तक पहुंच गया हूं, अब एक छोटा सा मॉड्यूल आखिरी जो आपको देखना है 00A, वो है इंटरेक्शन। मेरा ख्याल है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, शायद इसके आखिर में ही हो। अच्छा नहीं है, वो अलग स्लाइड है, मैं उसको भी ऑन कर लेता हूं। हाँ जी, यहां तक जो बातचीत हुई है, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, कंफ्यूजन तो कोई नहीं होगी? सो फॉर सो गुड सर, ठीक है, ओके। ओके, ये 00A प्रोसेस मैपिंग वाला है, ये मैं आपके सामने अभी लेके आ रहा हूं। ओके, ये अभी आपकी स्क्रीन पे आता है तो मुझे बताइएगा। ये आया कि नहीं आया सर? आ गया। अच्छा जी, प्रोसेस मैपिंग जो है ये किस तरह से है? पहले सिक्स एडिशन जो था, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, सिक्स एडिशन कंप्लीटली इनवैलिड नहीं हो गया, ये फैसल क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा था कि नजर आ रहा कि नहीं, वो स्लाइड में वो बता था कि आ गया आ गया, गुड गुड। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि जो सिक्स एडिशन है वो प्रीडोमिनेंटली प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए लिखा गया है, और इससे बेशतर 5 में थोड़ा सा एजाइल आया था, 4 में बिल्कुल ही नहीं था, 5 में एजाइल इंट्रोड्यूस हुआ था, 6 में एजाइल जो है वो थोड़ा सा इन्होंने ज्यादा उसको, मतलब हर चीज कैसे एजाइल की जा सकती है वो जिक्र कर दिया, और क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लग गए। लेकिन 7th एडिशन या फॉर दैट मैटर जनवरी से इन्होंने जो एग्जाम चेंज किया है, 7th एडिशन तो अभी आया है, उसमें उन्होंने तकरीबन 50-50 कर दिया। इसका मतलब है कि आपको ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए और दूसरी का भी, ऑल दो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी डिटेल्स 7th एडिशन में मौजूद हैं और एजाइल के हवाले से भी हैं, लेकिन जितना ज्यादा वजाहत के साथ और क्लैरिटी के साथ 6th एडिशन में ट्रेडिशनल या प्रेडिक्टिव को शो किया गया था, वो उतनी वजाहत शायद आपको नहीं मिलेगी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम एक ऐसे बंदे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको पहले से पता है ट्रेडिशनल क्या है, जिसने 6 पढ़ी हुई है तो 7th उसके लिए बहुत आसान हो जाती है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा हुआ, जिसको हम डायरेक्टली स्टार्ट दे रहे हैं 7th का, उसके लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत हो। इस वजह से मैं 6th एडिशन को रेफर कर रहा हूं। अच्छा, इसमें और कोई पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं प्रोसेस इंटरेक्शन आपको समझाना चाहता हूं। आपके पास ये 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल और क्लोज। अगर आप क्लासिकली देखें, ऑल्दो आई डू नॉट वांट टू रिलेटेड विद द मॉड्यूल्स ऑफ द न्यू सिलेबस, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा मिलते जुलते जरूर है। जब हमने कहा कि हाई परफॉर्मेंस टीम बनाओ तो ये तकरीबन कोई इनिशिएशन टाइप की बात लगती है, फिर जब हमने कहा स्टार्ट दी प्रोजेक्ट तो प्लानिंग की बात लगती है, जब हमने कहा कि जनाब अब काम करो तो उस वक्त हम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, जब हमने कहा कि टीम को आप मॉनिटर करें तो उधर आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात हो रही है, और फिर क्लोज, तो तकरीबन मिलते जुलते हैं। बट प्लीज प्लीज नॉट कंफ्यूज देम विद द प्रोसेस ग्रुप्स, ऑल्दो दे आर लुक अलाइक,
बट दिस इज नॉट क्लासिकली प्रोसेस ग्रो राइट, मगर किसी हद तक पीएमआई ने उसे कंपनसेट करने की कोशिश की है, उस टर्मिनोलॉजी को कन्वर्ट कर दिया है उसमें मॉड्यूल्स की जुबान, ठीक है जी। खैर जो भी है, जहां तक पुराना मेथड था उसमें इनिशिएशन प्रोसेस में प्रोसेस ग्रुप में दो प्रोसेस थे, प्लानिंग में 24 थे, एग्जीक्यूशन में 10 थे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में 12 थे और एक था क्लोजिंग, ये टोटल मिलके बनते थे 49 प्रोसेसेस। और चूंकि वो हार्ड कोर प्रोसेसेस के ऊपर बेस था तो हम प्रोसेसेस ही पढ़ते रहते थे उसके अंदर, यहां आपको प्रोसेस कोई नहीं पढ़ा रहा, ठीक है जी। लेकिन जो कुछ भी उन प्रोसेसेस में है और जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, क्या इनपुट जाएगा क्या आउटपुट जाएगा, ये आपका काम है जानना, पीएमआई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑल्दो देयर आर नॉट मेनी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू बी आस्किंग दोज डिटेल्स, ठीक है जी। फिर इसी तरह इन पांच प्रोसेस ग्रुप्स में हर एक में हमें शायद एक से ज्यादा नॉलेज एरियाज पे काम करना होता है, जब हम प्लान कर रहे होते हैं हम स्कोप भी प्लान करें, स्केड्यूल भी करें, कॉस्ट भी करें, क्वालिटी भी करें, 10 नॉलेज एरिया हैं जो सबके सब प्लान होने हैं। और आपको याद होगा कि जब तीसरा वाला स्टार्टिंग दी, जो दूसरा वाला स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट वाला हमारा मॉड्यूल है, उसके अंदर हमने कहा स्कोप को प्लान करो, स्केड्यूल को करो, कॉस्ट को, क्वालिटी को करो, इंटीग्रेशन को करो, प्रोक्योरमेंट को करो, आदि चीजें तो उसने वही कवर कर दी प्लानिंग की। दरअसल वो इसी की बात कर रहा है कि ये सब कुछ आपने प्लानिंग में करना है। जो चीजें नहीं उसने मेंशन की वो अल्टीमेटली बीच में इन्वॉल्व है, क्योंकि जब मैंने स्कोप टाइम और कॉस्ट को फाइनल कर लिया तो रिस्क उन्हीं के अंदर है, कम्युनिकेशन उन्हीं की होनी है, प्रोक्योरमेंट भी उन्हीं की होनी है, सब कुछ उन्हीं का होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो सारे नॉलेज एरिया खुद ब खुद इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो इसमें इंटीग्रेशन के 7 प्रोसेस हैं, 6 स्कोप के हैं, 6 स्केड्यूल के हैं एंड सो ऑन, और ये भी टोटल करें तो 49 बनते हैं, मतलब ये वही 49 प्रोसेस। ऑल्दो मैं आपको कतन कंफ्यूज नहीं करना चाहता, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दी 49 प्रोसेस, यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि ये कौन से नॉलेज एरियाज हैं या प्रोसेस ग्रुप्स हैं, बट दिस नॉलेज कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है जी। एग्जाम में कोई आपसे इस किस्म का सवाल वो नहीं पूछे, लेकिन ये जो एक्चुअल एप्लीकेशन के हवाले से क्वेश्चन है वो आएंगे, सिनेरियो बेस्ड, ऐसा हो गया वैसा हो गया अब क्या करोगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। अब अगर मैं इन दोनों को एक साइड पे रखूं, प्रोसेसेस प्रोसेस ग्रुप्स को, ये जो मैंने वर्टिकल लाइंस हैं कॉलम्स बने हुए हैं, इनके अंदर ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, क्लोज, मुझे पता है बहुत छोटा लिखा हुआ है, लेकिन ये 5 कॉलम प्रोसेस ग्रुप्स के हैं, और जो रोज बनी हुई हैं ये 10 रोज हैं और ये 10 नॉलेज एरियाज को शो करती हैं। इनमें जौन सा प्रोसेस जहां जहां फॉल करता है, हर प्रोसेस का ताल्लुक किसी ना किसी एक प्रोसेस ग्रुप से और किसी एक नॉलेज एरिया से है, ये उसकी मैपिंग है, इसको थोड़ा समझना है। और वो जो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है उसको सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चन हुआ तो मैं उसको एड्रेस कर लूंगा। उसमें ये पूरा मैंने डिटेल से बयान किया हुआ है कि जी ये क्या क्या होता है, मतलब ये क्यों बीच में जगह खाली क्यों है, कहीं बहुत ज्यादा रश है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दिस ऑल इज डिस्कस। और फिर जब ये चीज डिस्कस हो जाती है तो फिर मैं बयान करता हूं इसका इंटरेक्शन। इंटरेक्शन हम दो तरह से करते हैं, पहले हम इंटरेक्शन बयान करते हैं प्रोसेस ग्रुप्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है। ये जो डायग्राम आपको अभी नजर आ रहा होगा ये प्रोसेस ग्रुप्स का इंटरेक्शन शो करता है, और इसमें ये जो राउंडेड बॉक्सेस हैं ये मेरे प्रोसेस ग्रुप्स हैं। इनिशिएशन है ऊपर टॉप पे, ये इनिशिएशन है, ये प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन इससे नीचे है। आपको ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। सबसे नीचे क्लोजिंग है, दाएं हाथ के ऊपर जो बॉक्स है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, और बिल्कुल सेंटर में प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आर्काइव है, जहां पे हम जो भी कुछ प्लानिंग में बनाते हैं वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चला जाता है। अब ये इसके अलावा कुछ दूसरी किस्म के बॉक्सेस हैं जिनकी साइडें बड़ी हैं, ये एक्सटर्नल एंटिटीज हैं जिनसे हमारे प्रोजेक्ट का वास्ता पड़ता है। मैं ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करूंगा कि इनिशिएशन करने के लिए जो हुक्म देता है
वो देता है प्रोजेक्ट का इनिशिएटर या स्पॉन्सर, और ये वो बंदा होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर का बॉस होता है। और इसको गौर से सुननी है बात, इसको ये कि ये प्रोजेक्ट करना है ये बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर पहले वर्किंग की होती है, बिजनेस एनालिसिस होता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट बने होते हैं, बिजनेस नीड एस्टेब्लिश होती है, बिजनेस केस बना होता है। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं जिनमें दो चीजें आती हैं, एक तो बिजनेस केस और दूसरा बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, इस प्रोजेक्ट से कब कब जाके क्या बेनिफिट आएंगे और उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट से बड़ी बात है, प्रोजेक्ट तो एक छोटा टुकड़ा है इन बेनिफिट्स का, लेकिन प्रोजेक्ट से बियॉन्ड ये बेनिफिट कैसे यील्ड होने, तो ये जनाब बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान और बिजनेस केस, ये आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में दिया जाता है। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे वेंडर के साथ या कॉन्ट्रैक्टर के साथ या जो कस्टमर है उसके साथ, ये वो वाला एग्रीमेंट है, ठीक है, जो आपको दिया गया। अब जनाब इन दो डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, इन दो तीन चीजों की रोशनी में प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एंटर्स द प्रोजेक्ट, स्टार्ट्स द इनिशिएटिंग प्रोसेस एंड ही हैज टू राइट एन ऑथराइजेशन कि आप काम शुरू करो। ही हैज टू नॉमिनेट अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सो दैट ऑथराइजेशन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट चार्टर एंड द ऑथर इज यूजुअली द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर आर द प्रोजेक्ट बोर्ड फॉर दैट मैटर बट नॉट द प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर अपने लिए हुक्मनामा नहीं लिख सकता, हाँ मदद जरूर कर सकता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की या प्रोजेक्ट बोर्ड की कि जनाब ये डाटा मैं प्रोवाइड कर देता हूं या समथिंग लाइक दैट, इफ प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जिस्ट ऑलरेडी। ऐसा भी हो सकता है वो चार्टर लिख के प्रोजेक्ट मैनेजर को साइन करें, लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में कहा जाता है कि जितना जल्दी ऑन बोर्ड ले लिया जाए चाहे, अगर तो पहले से प्रोजेक्ट मैनेजर ऑन बोर्ड है तो आप उसको इन्वॉल्व कर लें साथ के चार्टर लिखने में हमारी मदद करो, बट द फैक्ट रिमेन्स के प्रोजेक्ट मैनेजर नेवर बिकम द ऑथर ऑफ द प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है जी। वो हेल्पर हो सकता है मगर वो ऑथर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो साइन करने वाली अथॉरिटी है वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की है या प्रोजेक्ट बोर्ड की, ठीक हो गया जी। अब जब उसको ये हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको रिसीव करता है, उसके सिग्नेचर चार्टर पे अगर होंगे तो एज अ रिसीवर होंगे, एज अ ऑथर नहीं हो सकते। अब वो यहाँ अपनी टीम वगैरह गैदर करता है, और टीम तो खैर डिटेल में प्लानिंग में गैदर करेगा, लेकिन अगर उसको रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए एक दो बंदे चाहिए तो ही कैन हायर वन और टू पीपल टू हेल्प हिम आउट विद द स्टेक होल्डर, बिकॉज ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द टोटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द स्टेक होल्डर, ठीक है। मैं प्रिडिक्टिव की बात कर रहा हूं, अगर आप एजाइल की बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी ये नहीं होती, उसमें स्पॉन्सर असल में नाम बदल जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को एजाइल में आमतौर पे स्क्रम मास्टर कहा जाता है और स्पॉन्सर को आमतौर पे मतलब उसको प्रोडक्ट ओनर कहा जाता है। तो ये जिम्मेदारी रिक्वायरमेंट गैदर करने की एजाइल के अंदर प्रोडक्ट ओनर पे आ जाती है, बेशक प्रोजेक्ट मैनेजर या स्क्रम मास्टर उसकी मदद करता है लेकिन बेसिक जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है दोनों में, जबकि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो स्पॉन्सर है वो बस हुक्म दे के बरी जमा हो जाता है और सिर्फ जहां अहकाम देने हैं, जहां इजाजतें देनी है, जहां परमिशन है, उसके लिए वो इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज वो साइड पे बैठा रहता है, सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजर करवाता है, तो काफी अथॉरिटेटिव किस्म का काम है। लेकिन एजाइल में ऐसा नहीं होता, एजाइल में सर्वेंट लीडरशिप होती है, उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर काम नहीं करवाता, टीम खुद से काम करती है, प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ उनके लिए राहें हमवार करता है, दैट्स ऑल अ सर्वेंट लीडर। खैर एनीवेज, अब ये दो वेरिएंट व्यूज हैं, एक कोना बिल्कुल ही अथॉरिटेटिव है और दूसरा कोना सर्वेंट लीडरशिप का है, एक में प्रोडिक्टिव काम हो रहा है, एक में क्या कहते हैं एजाइल हो रहा है, और एक में जनाब जो है वो अनसर्टेनिटीज कम है और एक में बहुत ज्यादा है, एजाइल में बहुत ज्यादा है। खैर वो एक अलग डिस्कशन है, मगर चार्टर जब बन जाता है तो आप प्लानिंग में दाखिल हो, और ये जो इनिशिएशन में आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं लेनी, अब स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है कौन कौन प्लेयर्स हैं, इसकी कितने स्टेक हैं,
ये बड़ा जरूरी है, छोटे बड़े सब स्टेक होल्डर को आप एनालाइज करें और अंडरस्टैंड करें। प्लानिंग के अंदर वो जो हमने बातें की थी कि सारी चीजों की डिटेल्ड प्लान बनाए, वो बना के बुनियादी तौर पे वी वांट टू कंपाइल अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, तो हम यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को कंपाइल करते हैं और उसकी बहस आगे है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में 10 के 10 नॉलेज एरियाज के प्लान होते हैं, राइट। वो 10 के 10 जो नॉलेज एरिया बताए हैं उनके डिटेल्ड प्लान होते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट पे हर चीज के अलग अलग प्लान बनाए गए। आपके प्रोजेक्ट की जरूरत पे डिपेंड करता है, कहीं पे कोई प्लान बनाने की जरूरत होती है, कहीं नहीं होती। कहीं कोई एक दो सफे का प्लान, आप कहें जी रिस्क हमारा बस इतना ही है, आपने 200 सफों का प्लान बना लिया, एक और बंदा कहता है नहीं जी मेरा तो रिस्क कोई 250 सफों का है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अपने प्रोजेक्ट पे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, मगर एक चीज कन्फर्म्ड है कि स्कोप, टाइम और कॉस्ट, इनकी तो बहुत ही डिटेल में प्लानिंग होगी और क्वालिटी की, क्योंकि ये आपके 4 प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। तो 10 नॉलेज एरियाज में से ये 4 वो हैं जिन पे बाकी सब डिपेंडेंट है, और अगर इन 4 में से भी मैं फोकस करूं तो स्कोप, टाइम, कॉस्ट बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्वालिटी भी उन पे डिपेंडेंट है। और अगर मैं बिल्कुल ही फोकस हो जाऊं तो स्कोप के ऊपर स्केड्यूल और कॉस्ट भी डिपेंडेंट है। तो ये इस तरह से सारा चीज बनती है। खैर एनीवेज जी, आपने कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना लिया, प्रोजेक्ट प्लान के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे मैनेजमेंट प्लान है, और इसके अलावा स्कोप, टाइम और कॉस्ट की बेसलाइनें इम्पोर्टेंट हैं। बेसलाइन इज द फाइनल अप्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कोप, ऑफ स्केड्यूल एंड ऑफ कॉस्ट। अप्रूव कराना क्यों जरूरी है? आप अपने स्पॉन्सर या प्रोजेक्ट बोर्ड के पास कहते हैं जी हमने ये बना लिया है, स्कोप हमने समझ आ गया है, आप इसको वेट कर दें, अप्रूव कर दें। जब आप वेट कर देंगे तो फिर मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी इसमें कोई तब्दीली नहीं ला सकता। मतलब मैंने बॉल अपने कोर्ट से निकाल के अपने स्पॉन्सर के कोर्ट में डाल दिया। मैंने कहा जी आप इसको साइन कर दें, अब मुझे ना कहना कि ये चीज ऐसे चेंज कर दो। अगर चेंज करना है तो चेंज रिक्वेस्ट का प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे चार्टर भी लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉस ने आपको कहा कुछ था और बाद में कहनी मैंने तो ये कहा था, या वो रिक्वायरमेंट बदल दे। तो चार्टर ही अगर बदल रहा है तो फिर तो बुनियाद ही हिल रही है। तो चार्टर को भी जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये एक तरह की प्रोटेक्शन है। इसी तरह आप जब बेसलाइनों को, जो जो स्कोप, टाइम और कॉस्ट, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इनको बेसलाइन करते हैं, तो इसका भी यही मकसद है कि हमने जो कुछ दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी थी या दिमाग लड़ाना था, लड़ा लिया टीम के साथ मिलके, स्टेक होल्डर के साथ मिलके, ये हमारी अदना सी कोशिश का नतीजा है, और इसको आप अप्रूव करें ताकि हम प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। और अब के बाद हम कोई चीज जो आप अप्रूव कर देंगे उसमें कोई तब्दीली खुद से नहीं कर सकते। अगर किसी तरफ से तब्दीली की रिक्वेस्ट आई, भले वो कस्टमर की तरफ से आए, भले वो हमारी तरफ से आए या बॉस की तरफ से आए, दिस हैज टू गो थ्रू अ चेंज रिक्वेस्ट प्रोसीजर। चेंज कंट्रोल का मैकेनिज्म होना, वो हम प्लान करेंगे इस प्लानिंग के अंदर। खैर तो ये सब 3 आपके बेसलाइंस और कोई 10, 12, 13, 15 कोई आपके प्लान बनते हैं, वो सबके सब प्लान, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, टेबल्स, ग्राफ्स, ड्राइंग्स बनती हैं, वो तमाम चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का एज सच हिस्सा नहीं कहलाती, उनको हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स के नतीजे में से के एक गैन चार्ट आपका बना, तो गैन चार्ट वो फाइनल शक्ल है जिस पे अमल करना है। तो ये बेसलाइन है, इसको बेसलाइन करना जरूरी है, बजट को बेसलाइन करना जरूरी है, स्कोप को बेसलाइन करना जरूरी है, लेकिन जो डायग्राम है वो चेंज हो सकता है। अगर कोई तब्दीली आएगी तो हम उस डायग्राम के ऊपर या उस चार्ट के ऊपर जाके या उस ड्राइंग के ऊपर जाके वो तब्दीलियां करेंगे, और जब कर लेंगे तो फिर हम बेसलाइन को चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, राइट। अब जो प्लान बन गया, ये आपने डॉक्यूमेंट्स इधर जमा करा दिया, प्लान भिजवा दिया एग्जीक्यूशन को भी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को भी, क्लोजिंग को भी। जो एग्जीक्यूशन है वो एक डंप प्रोसेस है, उसका काम ये नहीं है कि वो चैलेंज करे कि जनाब ये प्लान ऐसे क्यों हुआ। इसका काम है कि जो कुछ लिखा है उसके एन मुताबिक अमल पैरा करो। मतलब जो बेसलाइनें हैं
उनमें जो तारीखें लिखी हैं, जो पैसे लिखे हैं, उसके एन मुताबिक ये काम करेगा, स्कोप के एन मुताबिक, स्कोप की बेसलाइन, ये बेसलाइनों को एग्जीक्यूट करता है। और दरअसल एग्जीक्यूशन इसी का नाम है, बेसलाइनों को एग्जीक्यूट करने का नाम एग्जीक्यूशन है। और अगर कहीं कोई चीज तब्दील करनी पड़ी तो वो जो मैनेजमेंट प्लान पड़े हैं उनकी मदद हमें तब रिक्वायर्ड होगी। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बेसलाइंस की बुनियादी तौर पर जरूरत है। और अगर कोई तब्दीली करनी होगी तो फिर मैं रिक्वायर्ड मैनेजमेंट प्लान को देखूंगा, चेक करूंगा कहां इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, कहां चेंज रिक्वायर्ड है, वगैरह वगैरह। एनीवेज जब मैं काम करूंगा तो इसके दो तीन नतीजे हो सकते हैं, बल्कि दो ही नतीजे हो सकते हैं। एक तो काम करने से कोई आउटपुट निकलेगा जो डिलीवरेबल होगा, और काम होगा तो काम की खबर निकलेगी कि काम हो गया। सो एक तो कोई टेंजिबल डिलीवरेबल मेरे हाथ में आएगा कि ये चीज बन के निकल आई है, और दूसरा मुझे ये रिपोर्ट आएगी कि इतना टाइम गुजर गया और इतना काम हो गया, खबर काम की। और इसके अलावा ये इसको कहते हैं कि वर्क परफॉर्मेंस अपना इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं डेटा, वर्क परफॉर्मेंस डेटा यहां से निकलता है, जो कि जस्ट खबरें होती हैं। जैसे आप समझे कि किसी ने कहा कि ये काम इतने बजे शुरू हो गया, बस ये खबर है। अब पता नहीं वो कितने बजे शुरू होना था, ये देखना किसका काम है, ये काम है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। ये वर्क परफॉर्मेंस डेटा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के पास जाता है, वो अपने स्केड्यूल के हिसाब से या जो भी कोई बेसलाइन है उनके मुताबिक चेक करते हैं कि ये काम कब होना था, कब शुरू हुआ, कितना फर्क है, इस फर्क से कितना फर्क कोई प्रोजेक्ट के ऊपर डैमेज होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो कितना होता है, प्रोजेक्ट कितना डिले हो जाएगा या कितना पैसा और लग जाएगा। दे ऑल दीज थिंग्स आर एनालिसिस व्हिच इज द ड्यूटी ऑफ द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसी तरह जो डिलीवरेबल यहां से निकल के गया है उसने भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में चेक होना है। डिलीवरेबल जो है, जो जिसको हम आउटपुट भी कहते हैं, उसको दो ही चीजें हैं जो चेक कर सकती हैं इंस्पेक्शन के थ्रू। नंबर वन इज अ क्वालिटी कंट्रोल एंड द नंबर टू इज यूजर एक्सेप्टेंस, जिसको हम वैलिडेट स्कोप भी कहते हैं। पहला वाला स्टेप जो है वो ये देखता है कि क्या ये चीज क्वालिटी के असूलों के मुताबिक है या नहीं है। नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा और उसको रीमेक करने को कहेगा, मतलब ये पहली इंस्पेक्शन में फेल हो गया। और अगर क्वालिटी से वो चीज पास हो जाती है तो फिर आखिर में एक बंदा बैठा होगा जो यूजर एक्सेप्टेंस की लिस्ट लेके बैठा होगा। यूजर एक्सेप्टेंस हमने कहा था कि कस्टमर ने बताया कि ये चीज किन शराइत पे कबूल करूंगा, वो शर्तें लिखी हैं, हमने उसको चेक बॉक्स में टिक करना है कि आया कि ये शराइत पूरी करता है कि नहीं करता। इसको कहते हैं यूजर एक्सेप्टेंस या स्कोप वैलिडेशन। और एजाइल में भी इसका बड़ा रोल है, लेकिन एजाइल में यूजर एक्सेप्टेंस छोटे छोटे आइट्रेशन में, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट होता है दो दो तीन तीन हफ्तों की, तो जब वो एक आइट्रेशन खत्म होती है तो उसकी एक्सेप्टेंस उसके एंड पे हो जाती है। मतलब ये नहीं है कि पूरे प्रोजेक्ट के एंड के ऊपर जाके एक्सेप्टेंस होगी, बल्कि साथ साथ वो चीजों की एक्सेप्टेंस होती रहती है। एनीवेज अगर कोई तब्दीली हो तो चेंज रिक्वेस्टें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को जमा होती हैं, वो वर्क परफॉर्मेंस डेटा जो आता है उसको एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिपोर्ट बनाते हैं, और वो रिपोर्ट वापस एग्जीक्यूशन को भेजी जाती है कि उसने अगर इस रिपोर्ट की रोशनी में कोई बंदों के साथ जो टीम काम कर रही है उनको कोई हिदायत देनी है या कोई इनाम इकराम या सजा जजा करनी है तो वो कर लिया जाए। और इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल जो की जो मेजरमेंट्स हैं उनकी रोशनी में वो देखते हैं कि जी प्रोसेस में कहीं क्या इंप्रूवमेंट की जाए कि ये क्वालिटी में ये जो एरर्स आ रहे हैं ये ना आए। तो क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट वापस भेजी जाती हैं, जो चेंज रिक्वेस्टें अप्रूव हो जाती हैं वो वापस भेजी जाती हैं एग्जीक्यूशन को, और इसके अलावा वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। ये साइकिल उस वक्त तक चलता है बिटवीन एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जब तक के सारे काम ठीक हो ना जाए। अगर ठीक नहीं हो रहे तो रिपीट हो रहे हैं ना चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू, तो जब तक सब काम ठीक नहीं होते ये साइकिल चलता रहेगा, नहीं तो ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का काम होगा क्लोजिंग की तरफ सारा डाटा भेज दे। क्लोजिंग ने ये चेक करना है कि क्लोजिंग ऑडिट करके कि क्या सारे काम हो गए हैं, क्या कोई चीज आउटस्टैंडिंग तो नहीं रह गई, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए हैं, सारी चीजें डिलीवर हो गई हैं, और वो डिलीवर कर देना है कस्टमर को, एंड जो लेसन लर्नड है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के आर्काइव में डाल लें। ये जनाब इस पूरे जो पूरा ये सिस्टम है इसकी डिस्क्रिप्शन है।
आगे की स्लाइडों में एक एक बॉक्स को भी खोला गया है, लेकिन मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप इसको जब देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। मगर मेरा ख्याल यह है कि मैंने जनरली एक प्रीव्यू आपको इस सारे सिस्टम का दे दिया। नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वी कैन मूव ऑन टू जो हमारा मॉड्यूल वन है। जी जनाब, यहां तक जो बातचीत है इसमें कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ऐसा सच नहीं है, लेकिन अभी हम पहले मॉड्यूल जीरो लिए, ये मॉड्यूल इसके बाद मॉड्यूल वन पे आ जाएंगे तो हम पढ़ के आए नेक्स्ट। आपने करना है जी, देखें तीन चीजें, अबाउट अस तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा अभी तक सर? अबाउट अस पढ़ा था सर, अभी तक तो लेक्चर्स तो सिर्फ लेक्चर्स होने हैं, जो इंट्रोडक्टरी था और लेक्चर वन था, जिसमें से कुछ चीजें आज आपने लेक्चर वन के बाद टू सुना, थ्री सुना। अगर आपने दो तीन लेक्चर दो लेक्चर सुन लिए है ना, तो आप दो लेक्चर सुन लिए सर, सर तो दो लेक्चर में मेरा ख्याल है ये सब कुछ कवर हो जाता है सर। तो अगर आप सुन चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अलबत्ता अब आपको एक्सेस मिल गई है, सिक्स एडिशन के भी सारे लेक्चर मौजूद हैं, उसकी सारे जो प्रेजेंटेशन मौजूद हैं, और सेवंथ की भी मौजूद है, ठीक है ना जी? ठीक हो गया सर। तो रिकॉर्डिंग भी आपके मौजूद हैं सारी की सारी, वो आप देख सकते हैं। तो आई होप कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी फैसल, आपका क्या ख्याल है? जी सर, इंशाल्लाह मॉड्यूल वन के लिए भी तैयार होकर आएंगे नेक्स्ट वीक में। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर हम बिल्कुल सही रेस में आ जाएंगे। पेपर आप तब अटेंड कीजिएगा जब सब कुछ पढ़ लीजिएगा, राइट? ठीक है, क्लास अगली से पहले आप पेपर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। रोजर रोजर चलें जी, जबरदस्त। अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे। आज वैसे मैं ही ज्यादातर बोलता रहा हूँ, आप लोग तो लिसनिंग एंड पे थे, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चीजें और ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर मीटिंग ऑन संडे सर, ऐसे ही संडे को तो मिलेंगे ना, एक मिनट जी सर, संडे को, राइट? ठीक होगा सर। नहीं, अगली क्लास ईद है ना सर, वो आपने कहा ना थर्सडे को नहीं होगी, संडे को नहीं, 22 को तो संडे ईद नहीं आई अभी तक, 19 हाँ तो ईद तो अभी नहीं आई। आप थर्सडे को क्यों नहीं क्लास देना चाह रहे? ईद तो फ्राइडे से नहीं है? नहीं, थर्सडे 21, 22, 23 है ना सर? 21, 23 अच्छा 21 है, मैं 23 से बोल रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है, 21, 22 संडे को, नेक्स्ट संडे को मिलेंगे जी, राइट सर? राइट, थैंक यू, टेक केयर, हाफिज़, थैंक यू सर।